यो गाइस वेलकम टू द बेब्लेड चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने जो रिंग लाइट और ट्राइपॉड ऑर्डर किए थे वो आज आ चुके हैं। और दोस्तों, इसे मैंने मंगाया अमेजोन से और इसे मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चल दोस्तों, फटाफट से घर चलते और देखते कि कैसा रहता है इसका क्वालिटी प्रोडक्ट। और वैसे दोस्तों, इसे मैंने पहली बार मंगाया तो इसे क्वालिटी का कुछ खास मेरे को पता नहीं है, पर दोस्तों हम देख लेंगे। तो चल दोस्तों, फटाफट से घर चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ी साफ सफाई करके रखे ताकि दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग शुरू कर पाऊँ। तो चल दोस्तों, ट्राईपॉड के ऊपर मेरे होममेड ट्राईपॉड के ऊपर हमारा फ़ोन बिठाते और अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज सुनने को पड़ेगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइक है बिगड़ चुका है, इसकी चार्जिंग होता ही नहीं, अगर होता है तो टिकता ही नहीं है। तो दोस्तों, क्या ही कर सकते, आज की वीडियो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ ही देखनी पड़ेगी। तो चल दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो गाइस मैं इस पेपर के पैक को फाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसके शायद मेरे बेड्स रखने के लिए काम आएंगे या फिर और कुछ टूल या पार्ट्स रखने के काम आ सकते हैं इस पेपर वाले बैग में। तो इसे मैं आराम से खोलूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर, अरे गाइस वाह, इसे कहते पैकिंग के अंदर एक और पैकिंग। मुझे इस तरह की पैकिंग काफ़ी पसंद है गाइस, काफ़ी काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं अमेज़न वाले, और बहुत ही चिपकू प्लास्टिक है ये। अरे निकल जा भाई, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम जाओ। ओके, तो गाइस ये हो गया, ये आ गया हमारा ट्राईपॉड, और लग तो रहा है इसके अंदर ट्राईपॉड है और रिंग लाइट भी मेरे को लग रही है। खुल जाओ सिम सिम। ओके, ओहो गाइस, ये रहा पैक, ये रहा बॉक्स। तो गाइस बॉक्स के अंदर, अरे गाइस आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे पता ही ना था कि इसके अंदर बॉक्स हो सकता है, मुझे लगा था बॉक्स नहीं मिला, पर दोस्तों बॉक्स आ चुका है। तो ये रहा बॉक्स क्रियो। अरे ये तो हेलो है, नहीं नहीं गाइस, इसका शायद नाम होगा, मतलब नाम हेलो है या फिर हालो कहते, पर ब्रांड तो क्रियो की तरफ से, जैसे आप देख रहे दोस्तों। और पैकिंग काफ़ी अच्छी है, बॉल रैप करके रखा है क्योंकि डैमेज ना हो। तो गाइस मुझे इस तरह की पैकिंग काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छे पैकिंग करते हैं लोग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिंग लाइट को ओपन कर देखते हैं कि कैसा है। वैसे गाइस पहली बार परचेस करते, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है किस तरह का होता है रिंग लाइट। वैसे गाइस मुझे सिर्फ ट्राईपॉड की ज़रूरत थी, पर गाइस साथ में रिंग लाइट भी दे रहे हैं तो दिक्कत ही क्या हो सकती है। काफ़ी अच्छी डील रही और इसकी प्राइस लगभग 1300 ऐसा कुछ था, पर दोस्तों सब कुछ टोटल मिलाकर 1490 रुपीज़ का ये पड़ा है। तो काफ़ी अच्छा चीप प्राइस मेरे को मिल गया, वैसे लगभग 50% ऑफ था इसलिए सस्ते में मिले, वरना शायद 3000 ऐसा कुछ था इसका प्राइस। और दोस्तों यहाँ पर हमें नोट मिल जाता है शायद 100 का नोइस, 100 रुपीज़। तो गाइस एक जिसका आप देख सकते दोस्तों, ये क्रेयो का नोट और पीछे QR कोड दिया हो गया, पता नहीं किस काम आएगा। इसको साइड पर रखते और इसे खोल देते हैं यहाँ से। ओके, तो गाइस वाह क्या पैकिंग है, तो मैं क्या ही बोलूँ गाइस, कुछ पता ही नहीं है मुझे। ओके, तो गाइस इसका जो टेंट है वो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आगे पीछे भी घूम सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर मोबाइल मेरे को टिल्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो अलग 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 एंगल से वीडियो लेने के लिए, बैटल के वीडियो के लिए या फिर मेरे इंट्रो के लिए, तो काफ़ी अच्छे से काम आ सकता है। और दोस्तों मैं तो गाइस मैं एक बार बताना भूल गया, मेरे जो माइक ख़राब हो गया, इस वजह से मैं दोस्तों हमारा जो सीक्रेट बॉक्स का जो पार्ट 2 था वो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए आई एम सॉरी गाइस, पार्ट 2 आने में टाइम लगे जब तक माइक्रोफोन नहीं आ जाता। तो चले देखते हैं क्या है इसका, रिंग लाइट का सेटिंग वेटिंग देख लेते थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इसको, तो उसको, ओ गाइस काफ़ी अच्छा है। तो गाइस इसे मुझे मोबाइल चार्जर लगा कर से फिट करना पड़ गया। चल गाइस मैं अभी आया, तो गाइस मैं यह चार्जर वीवो वाला, तो देखते इसके अंदर ये काम करता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड को ऑन तो कर दिया, चल गाइस देखते हैं। तो गाइस ये रहा इसका स्विच, अरे यार, तो गाइस काफ़ी सारे दिक्कत हो रखी है यहाँ पर मेरे घर में। तो गाइस यहाँ पर ये रहा इसका स्विच, चल गाइस देखते हैं क्या होता है, ऑन कैसे करेंगे। ओके गाइस ये रहा ऑन बटन,
ओके तो ऑन हो चुका है, ये रहा रिंग लाइट चालू हो चुकी है। थोड़ा और सेटिंग करके देखते क्या होता है। ओके गाइस इसका कलर भी चेंज हो, तो गाइस अब येलो कलर हो चुका है, हल्का सा येलो, अब डार्क आई मीन थोड़ा और ज़्यादा येलो हो चुका है और अब पूरा। तो गाइस इसमें तीन सेटिंग है कलर के लिए और लाइट और एक और यहाँ पर बटन दिया गया है शायद इसकी ब्राइटनेस को कम करने के लिए। कम ब्राइटनेस हो चुकी है, तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए भी बटन दिया गया है यहाँ पर प्लस और माइनस। चले फुल ब्राइटनेस करके देखते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग हो चुकी है, तो देखते हैं अब इसमें क्या टेस्टिंग कर सकते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर ट्राइपॉड के लिए यहाँ पर कुछ फिटिंग्स दे रखी, चल गए देखते हैं कैसा है। तो चल गाइस इसे रखते हैं साइड पर और देखते हैं। तो गाइस अरे गाइस मैं फ़ोन इसको भी चेक करके देख लेते। ओके गाइस यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का माल फिट करने के लिए मिला जाता है। गाइस मैं अपना सैमसंग का फ़ोन लेके आता हूँ, ये रहा आ गया हमारा सैमसंग का फ़ोन। तो गाइस इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, मैं और वैसे गाइस मैंने काफ़ी ज़ोर से खींचा इसलिए निकल गया, वैसे अपना कभी नहीं निकलता। तो गाइस इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर मुझे लगता है रबर वाली ग्रिप होगी, आई मीन रबर वाली ग्रिप होगी क्योंकि इसके बिना तो इतनी अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाएगा। ओके बिल्कुल सही मैंने कहा गाइस, यहाँ पर रबर वाली रबर वाली ग्रिप है यहाँ पर, जिस वजह से काफ़ी अच्छे से। वैसे तो गाइस बेबेड वाला चैनल पर गाइस मेरे पास जो नई चीज़ आती है उसका तो अनबॉक्सिंग करना ही पड़ेगा। अगर हमारा चैनल जो गरीब है, जो भी हम खरीदेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे, हमारे चैनल पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो भी आपको बताना जरूरी है गाइस। तो मैं जो भी खरीदूंगा वो आपको मैं बताऊंगा गाइस, तो काफ़ी अच्छा है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर दिशा में घूम सकता है। और चलो गाइस पीछे भी देखते हैं, कुछ खास तो नहीं है पर रिंग लाइट काफ़ी पसंद है गाइस, मुझे लगता है कि खासकर ये मुझे बेड मेकिंग के लिए काम आ सकता है और सबसे ज़्यादा काम आने वाला दोस्तों हमारे बेवरेट बैटल के लिए शायद, उसके भी टेस्ट करके देख लेंगे। पर गाइस इस वक्त हमारा स्टेडियम उसके मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, तो उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के पहले भी आपको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका हिंजेस, इसका मेटल का हिंजेस दिया गया यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी ख़राब होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। और ये इसका ट्राइपॉड के अंदर बिठाने के लिए, टाइट करने के लिए होगा गाइस, तो चलिए इसे टाइट करके देख लेते। तो गाइस ये टाइट हो चुका है, चलिए अभी ढीला करके देखते। बहुत सही सही अच्छे से काम कर रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। तो चल गाइस बढ़ते ट्राइपॉड की तरफ और यहाँ पर हमें कुछ स्टिकर्स दिए गए, वहाँ मुझे नहीं लगा था, आई मीन मुझे नहीं पता कि इसके साथ स्टिकर्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर वाइट कलर का स्टिकर, ये ब्लैक कलर का स्टिकर, ब्लैक एंड वाइट, यिंग एंड यो, और इसके साथ मैनुअल है या वेयर आई कैन यूज़ हेलो कुल डजेंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड, जो भी हो मुझे नहीं पता। पर बॉक्स काफ़ी अच्छा है गाइस, मुझे बॉक्स काफ़ी पसंद आया, ऐसे गाइस मैंने इसके लिए पैसे नहीं दिए थे रिंग लाइट के और स्टैंड के लिए दिए थे, पर दोस्तों फिर में बॉक्स काफ़ी अच्छा दिया गया है। जैसे साइड पर रखते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे ट्राइपॉड का इसके, और इसे भी गाइस काफ़ी अच्छे से पैकिंग किया गया है, बबल रैप किया गया है। काफ़ी भारी भरकम है गाइस, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। ओके नाइस, इसके अंदर कोई और कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं, और कुछ तो गिर गया। ओके गाइस ये है हमारा ट्राइपॉड, अब इसके खोलेंगे कैसे। तो गाइस शायद इसकी शायद मैंने देखा था शायद, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। शिट, वैसे गाइस मुझे मुला नहीं चाहिए, पर ये गाइस ये टूटा हुआ है तो और ये गाइस मैं से रिप्लेस कर सकता हूँ, पर गाइस काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, ये टूट गया गाइस, क्या करें अब इसे रिप्लेस करने भेजे या फिर मैं से कोई जुगाड़ करके। तो गाइस मैं से वापस नहीं भेजने वाला हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है दूसरा एक और मंगाने में, तो दोस्तों मैं से कोई जुगाड़ करके यहाँ पर फिक्स कर दूँगा, ऐसे मेरे पास काफ़ी आइडिया इसमें रिपेयर कर सकता हूँ। तो चलो दोस्तों ये टूट ही गया। सो फ्रेंड्स इसे रिपेयर करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है गाइस, मैं इसे बहुत ही आसान से रिपेयर कर देगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइस मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ है, मैं बेड इतने मुश्किल से मैं इतने आसान से बेड भी बना सकता, तो गाइस ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चल गाइस तो देखते हैं कि इसका सेटिंग कैसा रहता है यहाँ पर। तो ओके गाइस, तो गाइस ये शायद इसका लॉक है, तो इसे लॉक का इस्तेमाल करके हम इसे अटका भी सकते हैं और इसे खोल भी सकते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट वाला रोड का ये लॉक है, तो सेकेंड वाला
रोड का ये लॉक, इसे लॉक कर दे ताकि नीचे ना आए। तो इसी तरह हमें सारे लॉक ऑन करके इससे आई मीन इसकी लंबाई एक्सटेंड कर सकते जितनी हो सकती। ओह काफ़ी लंबा है गाइस। ओके तो चलिए थोड़ा विस को एक्सटेंड कर लेते, विस को भी और थोड़ा इसे भी। तो गाइस ये है यहाँ पर इसका लॉक, तो गाइस अभी नहीं खुलेगा, इसके थोड़ा से घुमाएंगे इसके बाद ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से। और इसे लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो गाइस अभी नहीं जाएगा, अब ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। लॉक का खोल बंद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और गाइस इसका स्टैंड मेरे को काफ़ी पसंद आया गाइस, इसका जो रबर लेयर है काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी ग्रिप है। तो गाइस मेरे घर में काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह सीधी नहीं, तो ये काफ़ी काम आ सकते उबड़ खाबड़ जगह में, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है गाइस। बस प्रॉब्लम हुई इसका जो यहाँ से टूट गया था वो तो मैं रिपेयर कर दूँगा, इसके अलावा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिख रही है। तो चल दोस्तों इसे रिपेयर कर लेते फटाफट। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ एक रिपेयर वीडियो भी होने वाली है, तो अगर आपका किसी से टूट सकता है तो आप ही वीडियो देखकर उस वीडियो को आई मीन उस स्टैंड को रिपेयर कर सकते। चलो सो रिपेयरिंग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसे खोल दूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे देखना होगा कि इसका स्क्रू का कितना थिकनेस है, उसके हिसाब से मुझे ड्रिल करना होगा। तो कैसे इसका थिकनेस कुछ इस तरह से, और ये मैंने ड्रिल मशीन, तो दोस्तों ड्रिल मशीन काफ़ी बड़ा है तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस एक यूपीसी पाइप, आई मीन सॉरी सीपीसी पाइप, कुछ इस तरह का सीपीसी पाइप इसका यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ड्रिल कर दूँगा। ओके गाइस ड्रिल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर कैंची का यूज़ करके इसका होल को थोड़ा बड़ा करने वाला ताकि ये पाइप आई मीन ये स्क्रू इसके अंदर अच्छे से घुस पाए, वरना गाइस हम टाइट कैसे करेंगे इसे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइस हो गया बहुत आसानी से, तो चलिए इसे यहाँ से कट कर लेते, ज़्यादा लंबाई नहीं रखेंगे। ओके ये कट हो चुका है। तो गाइस मुझे लगा नहीं था कि अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ मुझे रिपेयरिंग वीडियो भी बनानी पड़ेगी, पर गाइस अगर आपके पास आइडियाज़ है स्किल्स है तो आपको किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी समय प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप उसका सोल्यूशन निकाल ही लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका मार्क लेना होगा कि कितना थिकनेस है इसकी, उसके हिसाब से हम इसे कट करेंगे। चलिए ड्रिल मशीन का यूज़ करके इसे कट कर लेते हैं। अरे अरे ड्रिल मशीन है, रुको भाई। तो मुझे लगता अभी ये बहुत अच्छे, अरे गाइस मुझे लगता है अभी अच्छे से फिट हो सकता है। ओके गाइस बहुत अच्छे फिट हो रहा है, तो चलो दोस्तों इसे स्क्रू बिठा लेते हैं यहाँ पर। ओके गाइस जिसका आप देख रहे हो दोस्तों काफ़ी अच्छे आ गया है यहाँ पर, वाह काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यूपीसी पाइप को गर्म करके फ्लैट कर रहा हूँ, और फ्लैट करना काफ़ी ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाएगी। यहाँ पर मैं रबर की ट्यूब से कुछ रबर के वॉशर्स बनाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने जो यूपीसी पाइप का जो जॉइंट बना था वो जॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्लिप है, जिस वजह से रिंग लाइट स्लिप हो जाती है, इसलिए दोस्तों उसे ग्रिप देने के लिए मैं रबर वॉशर का यूज़ करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स रबर के वॉशर्स रेडी हो चुके थे, चल दोस्तों इन्हें फटाफट से फिट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों आपके के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल धीरे धीरे ग्रो कर पा रहा है, और मैं ऐसे इक्विपमेंट भी खरीद पा रहा हूँ जिनकी मदद से मैं अच्छे वीडियोस भी बना सकता हूँ, इसलिए आप सबका थैंक यू गाइस। दोस्तों इसकी फिटिंग काफी ज्यादा टाइट है, तो इसे फिट करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सो फाइनली स्क्रू इसके अंदर फिट हो चुका है, और दोस्तों ये आखिरी पीस है उस टूटे हुए ट्राइपॉड का, तो चलिए फिट करते हैं और ट्राइपॉड को रेडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, और मेरे फोर्स लगाने पर भी ये मुड़ नहीं रहा, इसका मतलब कि दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो चले दोस्तों इसे फुल्ली असेंबल करके देख लेते हैं कि कैसा बना है। और दोस्तों मैंने इस ट्राइपॉड का हाइट चेक करके देख लिया, और दोस्तों मुझे पता चला कि इसकी जो हाइट है वो लगभग 160 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो चल दोस्तों इसे फिट करके देखते हैं कि कैसा काम करता है। सो फ्रेंड्स मैं देखूंगा कि इसकी जो फिटिंग है काफी अच्छे से टाइट फिट हो रहा है, और दोस्तों मुझे लगता है कि ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो चलिए दोस्तों रिंग लाइट को भी फिट करके देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बॉल हेड बनाने के लिए जो कंपोनेंट ने यूज़ किया कि इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों ये पूरा मेटल का है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जल्दी खराब नहीं होगा और बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। सो फ्रेंड्स अभी बारी उस चीज़ के टेस्ट करने की जिसे मैंने रिपेयर किया, तो चलो दोस्तों देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों इसे मोड़ने के बाद ये बहुत ही फिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो चलिए दोस्तों थोड़े और टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर इसे हर दिशा में मोड़ के देखने वाला हूँ कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स इसे मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और दोस्तों इसकी फिटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हल्के फोन को तो होल्ड कर ही लेगा, पर दोस्तों भारी कैमरा को भी होल्ड कर लेगा।
तो दोस्तों अभी इसका एक और टेस्ट करना बाकी और दोस्तों वो है कि हम कितनी ऊंचाई से इसका यूज़ करके वीडियो ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों देख लेते, सबसे पहले इसके अंदर फिट कर देते और फिर देखते कि कितना ऊंचाई तक ये जा पाता है इसका हाइट, और देखेंगे कि कैसा व्यूज़ आता है इसका, कैसा व्यू आता है एकदम ऊपर से। तो फ़ोन यहाँ पर फिट हो चुका है, तो चलो दोस्तों एक एक करके रोड को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। तो शायद ज़्यादा ऊँचाई तक जाएगा तो आपको शायद आवाज़ नहीं आएगी, फिर भी दोस्तों मैं चिल्ला कर वीडियो में बोलने की कोशिश करूंगा। तो चल दोस्तों, ये फर्स्ट रोड गई, सेकंड रोड, और ये थर्ड रोड, और ये फोर्थ रोड। सो फ्रेंड्स बताओ दोस्तों कैसा व्यूज़ आ रहा है ऊपर से, आई मीन कैसा व्यू आ रहा है। तो चल दोस्तों चलते खेत की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा साइड में से चलते, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो यहाँ से घूम के चलते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों इसकी मैक्सिमम हाइट, थोड़ा पेड़ के नीचे से घूम के चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आम के पेड़ तक हम आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें साइड में से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से हम नहीं जा पाएंगे। ओके गाइस, हम खेत में आ चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस आपको आवाज़ तो आ रही है ना, और गाइस आपको आज का वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो और रिपेयरिंग वीडियो पसंद आते, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो चले दोस्तों चलते थोड़ी देर खेत के अंदर। अरे 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 अरे, गिरते गिरते बचा गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम खेत में आ चुके हैं यहाँ पर। तो बताओ दोस्तों कैसा व्यू आ रहा है ऊपर से मेरे खेत का। तो गाइस यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर टमाटर किए गए हैं, यहाँ पर बैंगन भी है, आगे तुअर की दाल भी काफ़ी सारी हुई है। फिर आगे चलते, चलो दोस्तों आगे लौकी के खेत में चलते हैं दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर लौकी के खेत में। तो गाइस ये लौकी का खेत है हमारा यहाँ पर। तो चलो दोस्तों चलते पालक के खेत में, देखते पालक आज है या नहीं, जैसे पालक ख़त्म हो गई थी। सो गाइस पालक ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, जिसका देख रहे दोस्तों ये है पालक यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो चलो दोस्तों, सो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग इसके सारे टेस्टिंग हो चुके, और दोस्तों उसकी हाइट की बात करें तो काफ़ी ऊंचाई तक का वीडियो ले लेता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि दोस्तों जब मैं इसे पूरी लेंथ एक्सटेंड करके जब वीडियो ले रहा था, तो उस वक्त बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा था। इसका मतलब कि इसका स्टेबल काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टेबल है, और रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते। और दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर देना, ताकि दोस्तों आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे। और दो क्या करोगे इस आज की जो अनबॉक्सिंग वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ये दोस्तों टूटा हुआ है, और दोस्तों ये अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ एक रिपेयरिंग वीडियो भी बन जाएगा। तो चल दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।